गुड इवनिंग एवरीवन, आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के नए सेशन को शुरू करते हैं। अच्छा देखो, इस किताब के अंदर की मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप सब लोगों को बहुत बारीकी से मेरी बात पे एक विश्वास करना पड़ेगा। इस किताब से आपके वर्ड्स वाकई में बहुत अच्छे होने वाले। अब आपके मन में ये आएगा कि इस किताब में हम कितनी चीज़ों को कवर करेंगे। सर, इस किताब में सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों, वो सारे की सारे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उन पर्सनैलिटीज़ को हम कवर करने वाले हैं। सभी को मेरा गुड इवनिंग है और आइए अब इस सेशन को शुरू करना, मतलब स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जब इसके सीखने की बात आई है ना बेटा, तो यहाँ से आज जो आप वर्ड्स मेरे साथ डिस्कस करेंगे वो कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो किसी डॉक्टर को दिखाने का काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर बीमारी के अंदर जो इलाज करने का काम करते हैं। तो उन सभी शब्दों की समझ इस सेशन से आप लोगों को होने वाली है। एक काम और करना बेटा जी, आज आपके मन में एक विचार आ जाना चाहिए कि मेरे पास आसपास जितने भी ये व्यक्ति जो किसी भी पर्टिकुलर तरीके की साइंस को स्टडी करके बैठे हैं, उन सभी के शब्द मेरे पास होने वाले हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर रिपीट करके कह दूं कि आज का जो सेशन आप लोगों को है वो सिखाने वाला है, वो आसपास के जितने भी आपके डॉक्टर्स होते हैं, किसी भी चीज़ का कोई स्पेशलिस्ट होता है, किसी चीज़ में कोई एक्सपर्ट होता है, उन सभी को सिखाने वाले शब्द आपको इस सेशन में मिलेंगे। एक किताब को हम फॉलो करें जिसका नाम है वर्ड पावर मेड ईजी। सच अ फंटेस्टिक बुक इट इज़ गाइस। इस किताब को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। इस किताब के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एक एक करके आप लोगों को सिखाने लग ही रहा हूँ। चलो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले के 2 एपिसोड ऑलरेडी आपके चैनल के ऊपर मौजूद है। आज से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा वर्ड है पहले वाला, इस वर्ड को सब बारीकी से देखिए। अच्छा देखो, किसी भी शब्द को बारीकी से सीखना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो शब्द किस सेक्शन को कवर करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वर्ड्स के ऊपर काम करते हैं पर एक सटीक तरीके से नहीं कर पाते। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि बच्चों को सटीक तरीके से काम नहीं कर पाया? सर, आपने उसकी हिंदी याद करने की कोशिश करी, आपने उसको रटने का काम किया, पर आपने कहीं ना कहीं ये बारीकी से नहीं देखा कि वो शब्द एक्चुअल में किस सेंस को कवर करता है। सर, इससे वोकैब कभी अच्छा नहीं होता क्या? अबैश वर्ड पढ़ लिया आपने, और उसमें अगर आपने ये पढ़ा कि अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी करके सलमान खान को अबैश कर दिया, तो हो सकता है कि आपको अबैश वर्ड याद हो जाए, पर किस सेंस में यूज होगा, किस कंडीशन में यूज होगा, आपको ये बिल्कुल पता नहीं चलने वाला। तो वर्ड्स को आसान नहीं, इफेक्टिव बनाना है। किसी भी शब्द को सीखना तो आप बारीकी से देखिए वो शब्द इंग्लिश में क्या काम करता है। तो आज का सेशन आपको यही सिखाने वाला है बेटा। और दूसरी बात, सिखाने का ढंग मैं कोशिश करूंगा ऐसा रखूं कि क्लास में बैठे एक एक बच्चे को, आप में से देखने वाले एक एक बच्चे को बारीकी से पता चल पाए कि वो एक्चुअल में वर्ड होता क्या है। तो आज की शुरुआत करते हैं बेटा पहले वर्ड से। पर रिपीट करके कह देता हूं, आज जितने भी वर्ड्स हैं सब बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, इसको लाइक एंड शेयर करते रहना बेटा। अब इससे ज्यादा मैं लाइक एंड शेयर के बारे में नहीं बोलूंगा। आप समझदार है, करना होगा तो आप कर ही देंगे, नहीं करना होगा तो मैं कितना भी कहूंगा तब भी नहीं करेंगे, क्यों? अपनी पढ़ाई का टाइम भी खराब किया हमने। तो बात को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। आज की इस क्लास में आप और मैं जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं बेटा, डॉक्टरी लाइन से जुड़े, जो आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं और इनके रूट वर्ड से बात करने वाले हैं। एक एक रूट वर्ड आपको कितना बारीकी से सिखा सकता है ये जेन्युइन तरीके से आपको पता चलेगा बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी प्रैक्टिस शीट को भी आज हम साथ साथ कर ही लेंगे बेटा, जिसके जितने भी पीडीएफ हैं सब कुछ आपको मिल ही रहे ग्रुप के अंदर। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड देखिए बेटा, इस वर्ड को देखिए क्या कहता है, इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट इस वर्ड को पढ़ा जाता है बेटा, पढ़ लीजिए एक बार, इंटर्निस्ट। अब इंटर्निस्ट वर्ड को समझना है तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इससे इंटर्नुअस एक वर्ड होता है बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पर, जरा ध्यान से देखिए, ये वर्ड होता है INTERNUS, इंटर्नुअस। ये वर्ड है बेटा इंटर्नुअस। इंटर्नुअस का मतलब होता है बच्चों इनसाइट। इनसाइट, इनसाइट का मतलब बेटा अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग। जैसे आपने कभी देखा होगा एक ऐसा भी डॉक्टर होता है जो हमारे शरीर के अंदर की प्रॉब्लम्स, जो हमारे बॉडी के इनसाइड की प्रॉब्लम है, अंदर के ऑर्गन्स है हमारे, जैसे लीवर है, कोई भी है बेटा, जो अंतर के, जो अंदर मतलब इनसाइड बेटा, जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स है बेटा, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स है, उसका ट्रीटमेंट करने का काम करता है, उसका स्पेशलिस्ट है कोई व्यक्ति, मतलब उसका है वो। तो एक मैं बोलूंगा बेटा इनसाइड का मतलब बेटा अंदर की तरफ, इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ। तो यहां पर आपके पास आया बेटा इंटर्नुअस, ये वर्ड देखिए क्या कहता है, इंटर्नुअस। इंटर्नुअस का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो इसी से एक शब्द निकला बेटा, ये रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड आपका। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा शब्द जिसके ऊपर बहुत सारे शब्द बने हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए बेटा, मैं ऊपर लिखने वाला हूं, आप गौर से देखिए यहां पर, इंटरनल। सर, इंटरनल का मतलब क्या होता है, आंतरिक।
इंटरनल का मतलब क्या होता है, बोलना पड़ेगा बेटा साथ साथ। इंटरनल का मतलब क्या होता है, आंतरिक होता है, अंदर का होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है। तो इंटर्नस का मतलब क्या होता है बेटा, इनसाइट, अंदर की तरफ। तो एक ऐसा डॉक्टर बेटा, एक ऐसा डॉक्टर जो आपके अंदर के जितने भी रोग है बेटा, बॉडी के अंदर के जितने भी रोग हैं उनका इलाज करता हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटर्निस्ट। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले सेशन में पढ़ाया है कि किसी भी शब्द में अगर आपने मैंने इस्ट लगाने का काम किया है, ध्यान से सुन लीजिए बेटा, दम लगा के पढ़ना पड़ेगा, किसी भी शब्द में अगर आपने मैंने इस्ट लगाने का काम किया है तो ये हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो उसकी साइंस में बिलीव करता है। इसके एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो किसी सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है। जैसे एक डॉक्टर देखिए बेटा, तो जो डॉक्टर इंटर्निस्ट है वो डॉक्टर क्या करेगा बेटा, वो डॉक्टर कहीं ना कहीं इस इलाज को, मतलब इस बॉडी के अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करने के लिए जो साइंस है उस साइंस में बिलीव करने का काम करेगा बेटा। तभी तो मैंने कहा ना बेटा, इंटर्निस्ट का मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर काम करता है, उसका इलाज करने का काम करता है। आपने यहां से एक रूट वर्ड सीखा था बेटा, इंटर्नस, इसका मतलब इनसाइट। पहला वर्ड आपको क्लियर हो रहा बेटा, पहला वर्ड अच्छे से क्लियर हो रहा है, साथ साथ बात करते रहना, साथ साथ सुनते रहना। आगे की तरफ आजिए बेटा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ डिस्कस करेंगे। सेशन को बहुत क्विक रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, और वो पहले जो पढ़ा है उसके ऊपर काम साथ साथ करते रहेंगे। एक बात तो दिमाग में हमेशा रखना बेटा कि चीजों को सीखना है तो बारीकी से सीख लीजिए, क्योंकि बारीकी से सीखने वाले लोगों का वक्त जरूर आता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ बेटा, मेरी बात में एक बात दम है, मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट से कि अगर आपने बारीकी से अपनी नॉलेज पर काम किया है तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि ऐसा कभी होगा नहीं कि आपकी नॉलेज आपको दगा दे दे। नॉलेज कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती सर, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, है ना बेटा। एक कहते ना छोटा सा एग्जाम्पल, मैं हमेशा कई बार कहता हूँ, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा बेटा। बहुत सारे लोग असफलता के बाद पता क्या करते हैं, असफलता के बाद टूट जाने का काम करते हैं, पर कुछ लोग क्या करते हैं, एक बात में विश्वास रखते हैं कि फल अपने समय पर पकता है, मेरा भी अपना एक दौर आएगा। मैंने कहा ना, कुछ पल की खामोशी है, कुछ पल की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ पल की खामोशी है फिर शोर आएगा, लाइन को भूलना मत, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तो उस दौर के लिए तैयार हो जाओ बेटा। अगले वर्ड में देखिए, आपने एक बहुत बारीकी से वर्ड सीखा था बेटा, ये जो गायनी शब्द होता है, गायनी, गायनी का मतलब फीमेल को दिखाता है बेटा। और आपने देखा था बेटा इस्ट, इस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज की साइंस पे विश्वास करता है, उसके प्रिंसिपल्स पे विश्वास करता है, उसको मानता है, उसको फॉलो करता है, उस इंसान को इस्ट कहते हैं, इस्ट। अब देखो बड़े गौर से देखो, गायनी जो शब्द था वो फीमेल के लिए आ रहा है, फिर से सुनिए, गायनी जो वर्ड है वो फीमेल के लिए आ रहा है। और गायनी के लिए, जैसे महिलाओं की जो बीमारी होती है, फीमेल की जो डिसीज होती है, उसको ठीक करने के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको मानने वाला, उनको फॉलो करने वाला व्यक्ति गायनोकोलॉजिस्ट होता है। इसलिए वो डॉक्टर्स जो महिलाएं, यानी कि फीमेल है, उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए उसकी साइंस को यूज करते हैं, उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये आपको एक वर्ड समझ में आ रहा है, गायनोकोलॉजिस्ट। अगला वर्ड बी फीमेल के लिए बेटा, इसको बड़े गौर से देखना, अगले वर्ड को बारीकी से देखिए क्या कहता है बेटा। यहां पर इस वर्ड को देख लीजिए बड़ा ध्यान से बेटा, एक बार इसको पढ़ के देखना, फील करना, ऑब्स्ट्रीशियन, बहुत बढ़िया, ऑब्स्ट्रीशियन, फिर से बोलिए बेटा, ऑब्स्ट्रीशियन। मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने बच्चों को यह बात पता है, पर एक छोटा सा बेटा रूट वर्ड है, उसको बड़े बारीकी से देख लेना, ये बहुत काम आएगा आपके साथ। देखिए क्या कहता है बेटा, ये जो ऑब्स्ट्रीशियन वर्ड है ना बेटा, इसमें पहले इस एशियन को देख लो, पहले इस एशियन को देख लो बेटा, ICIN, जो एशियन होता है ना बेटा, ये किसी भी चीज का एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट का मतलब क्या बेटा, वो स्किल्ड है। बड़े ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, वो स्किल्ड है, किसी भी काम को करने का जिसके पास स्किल्स होती है ना बेटा, उसे एशियन से दिखाते हैं। इसलिए आपके सामने वर्ड देखा होगा म्यूजिशियन, बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का मतलब क्या बेटा, जिसके पास म्यूजिक की स्किल्स है बेटा। आपने देखा टेक्नीशियन, जिसके पास काम करने के तरीके हैं। आपने देखा हो इलेक्ट्रीशियन, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक को, मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब बिजली, करंट से जुड़ा, उसके उपकरण से जुड़ा, उसमें एक्सपर्ट बनता है, तो उसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं बेटा। इसी तरीके से ध्यान से देखिए, ऑब्स्ट्रीशियन, ऑब्स्ट्रीशियन वर्ड कहाँ से आया बेटा, इस बात को बड़े ध्यान से देखो। इस वर्ड को यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, OBSTERIX, ऑब्स्ट्रिक्स वर्ड से देखना है, ये इसका रूट वर्ड है बेटा। ऑब्स्ट्रिक्स वर्ड का मतलब होता है बेटा मिडवाइफ,
जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान से लिख लेना बेटा, ऑब्स्ट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, आपने दाई माँ सुनी होगी, थोड़ा सा क्विक होकर पढ़िए बेटा, आपने दाई माँ सुनी होगी। दाई माँ से मेरा मतलब क्या है, एक ऐसी महिला जो बच्चे के जन्म में, एक ऐसी महिला जो बच्चे के जन्म में दिलवाने में बड़ी एक्सपर्ट होती है, एक ऐसी महिला जो बच्चे के जन्म पर आती है, वो क्या करती है, माँ को मदद करती है बच्चे को जन्म देने में, माँ को मदद करती है, उसे इंग्लिश में मिडवाइफ कहते हैं बेटा। वो मिडवाइफ वर्ड कहां से निकला बेटा, इस रूट वर्ड से निकला है, इस रूट वर्ड से निकला है, और इसी रूट वर्ड से कहीं ना कहीं देखिए आपके पास एक वर्ड आ गया, वो वर्ड कौन सा आ गया बेटा, ऑब्स्ट्रीशियन। ऑब्स्ट्रीशियन का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी महिला, एक ऐसी फीमेल जो बच्चों के जन्म को दिलवाने में बड़ी एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट मैंने क्यों बोला बेटा, क्योंकि एशियन का मतलब किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना यानी कि स्किल्ड होना होता है। देखो आपने कितना बेस बनाया बेटा, एशियन का मतलब क्या है, किसी भी चीज में आप स्किल्ड हैं। एशियन का मतलब क्या बेटा, किसी भी चीज में आप स्किल्ड हैं। और ऑब्स्ट्रिक्स का मतलब होता है बेटा मिडवाइफ, इसका मतलब एक ऐसी महिला जिसको हम दाई माँ भी कहते हैं। तो यहां से देखिए आपके पास आ गया वर्ड ऑब्स्ट्रीशियन, इसका मतलब एक ऐसी महिला जो बच्चों को जन्म दिलाने में एक्सपर्ट होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए बेटा आपने तीन वर्ड अपने बारीकी से देखे, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं बड़े ध्यान से। देखो पहला वर्ड आपने पढ़ा, एक ऐसा डॉक्टर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखता है, एक ऐसा डॉक्टर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखता है, उसमें उसकी साइंस पे बिलीव करता है, उसको फॉलो करता है, उसका इलाज करता है। दूसरा वर्ड आपने पढ़ा, एक ऐसा डॉक्टर जो महिलाओं की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, महिलाओं की बीमारियों का इलाज करता है। और तीसरा वर्ड, एक ऐसी महिला जो बच्चों को जन्म दिलवाने में मदद करती है, उसको बड़ी स्किल्ड है, उसको पता है कि एक बच्चे को कैसे जन्म दिलवाया जाता है, ये इसको पता होने वाली। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ आ जाओ बेटा, थोड़ा क्विक सेशन रखा है जिससे आप बारीकी से उसको कवर कर पाए। देखिए यहां पर आपके पास वर्ड क्या रहा है, इस वर्ड को बड़े बारीकी से देखो बेटा। यहां पर क्या देखना बेटा, एक वर्ड होता है इंग्लिश में पैड, बच्चों एक इंग्लिश में वर्ड होता है पैड। इस पैड का मतलब समझा देता हूं, ये पैड कहीं ना कहीं बच्चों फुट को भी दिखाता है, ये पैड जो शब्द होता है बेटा फुट को भी दिखाता है। और यही पैड वर्ड बेटा ध्यान से देखो, यही पैड वर्ड चाइल्ड को भी दिखाता है। ध्यान से देखा मैंने क्या बोला बेटा, ये जो पैड वर्ड है ना बेटा, ये चाइल्ड को भी दिखाता है, और यही पैड वर्ड बेटा फुट को भी दिखाता है, पैर को भी दिखाता है। एक बात और देख लेना बेटा, यहां पर एक वर्ड होता है बेटा पेडोस, ये पेडोस जो वर्ड होता है ना, ये भी रूट वर्ड है बेटा, ये भी बच्चों के लिए आता है, चाइल्ड के लिए आता है। अब देखो बारीकी से महसूस करते चलना, वर्ड को तोड़ लो बेटा, वर्ड को तोड़ लीजिए बेटा। ये देखिए जरा ध्यान से, एशियन आ गया बेटा, एशियन आपने पढ़ा था अभी, एक बार बता दीजिए मुझे मन से, एशियन वर्ड क्या होता है बेटा। एशियन हमेशा किसको दिखाएगा, किस व्यक्ति के लिए एशियन आएगा बेटा, उस व्यक्ति के लिए एशियन आएगा जो जेन्युइन तरीके से क्या है, किसी भी चीज में स्किल्ड होता है, उसे एशियन से दिखाते हैं। और जो पैड वर्ड है बेटा, वो कहीं ना कहीं बच्चों को दिखाता है, चाइल्ड को दिखाता है। तभी तो बेटा आपने देखा होगा एक वर्ड पढ़ा जाता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी या पेडागोजी, पेडागोजी एक वर्ड होता है बेटा पेडागोजी। अब जरा गौर से देखिए, जो पेडागोजी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इस वर्ड को बारीकी से महसूस करके देखो, पेडागोजी का मतलब क्या है। पैड किसको दिखाता है बेटा, चाइल्ड को दिखाता है बेटा। पैड किसको दिखा रहा है, चाइल्ड को दिखाता है ना बेटा। और ध्यान से देखिए गोजी क्या होता है बेटा, गोजी ये शास्त्र होता है बेटा, जिसमें ये सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे डेवलप किया जाता है, एक बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाता है। फिर से रिपीट करता हूं बेटा, ध्यान से देखो पेडागोजी क्या है। जिस बच्चे को पैड का मतलब पता चला, अपने आपसे एक प्रश्न पूछिए कि आपको पैड क्लियर हुआ, यस हुआ बेटा। पैड किसको दिखा रहा है, या तो पैर को दिखा रहा है, या फिर पैड किसको दिखा रहा है बेटा, चाइल्ड को दिखा रहा है, चाइल्ड को दिखा रहा है, बच्चे को दिखा रहा है। तो यही से एक वर्ड आ रहा है बेटा पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब क्या है, एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा पढ़ाई में शास्त्र जिसका प्रयोग किया जाता है बच्चों को एजुकेट करने में, जिससे हमें यह पता चलता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, उसको कैसे डेवलप करना है एजुकेशन के अंदर, ये पेडागोजी होती है। इसलिए जितने भी जो बच्चे टीचिंग लाइन में जाते हैं, किसी भी विषय का टीचर बनता है, तो उसको ध्यान से देखना, उसको पेडागोजी पढ़ाई जाती है। पैडागोजी का मतलब क्या है, जो टीचर को यह बताया जाता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है। और ध्यान देना, इसी की वजह से एक वर्ड आता है बेटा यहां पे, मैं इसके सामने यहीं पे लिख देता हूं, ध्यान से देखना बेटा, ये पैडागोग, ये होता है पैडागोग, ध्यान से देख लीजिए बेटा वर्ड को, देखिए क्या कहता है पैडागोग, PEDAGO लिखना, साथ साथ नोट्स बनाना बेटा, PEDAGOGUE पैडागोग का मतलब होता है बेटा टीचर, एक ऐसा टीचर। वैसे तो उसको आजकल पॉजिटिव सेंस में नहीं लेता बेटा, आप कभी ऐसा मत करना कि पैडागोग कह के किसी टीचर को दिखा दो। आमतौर पर क्या होता है बेटा, पैडागोग एक ऐसे टीचर को कहा जाता है जो किसी भी चीज पे अननेसेसरी जोर देता है,
जरूरत से ज्यादा जोर देता है और जो उचित नहीं माना जाता, ऐसे टीचर को पेडागोग कहते हैं। पेडागोग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टीचर जो अननेसेसरी चीजों पे जोर देता है। मैं इसे साफ करूं उससे पहले ध्यान से देखिए बेटा, पैड शब्द का मतलब या तो फुट को दिखाता है या फिर यही पैड वर्ड चाइल्ड को दिखाता है बेटा। दूसरी बात बेटा, बच्चे को सिखाने के लिए जो नॉलेज चाहिए, बच्चे को कैसे एजुकेट किया जाता है, उसका जो शास्त्र होता है वो पेडागोजी होती है। और यहीं से ध्यान रखना, उस पेडागोजी को पढ़ाने वाला, उसको पढ़ाने वाला जो टीचर होता है उसको पेडागोग कहते हैं। वो पेडागोग होता है, टीचर होता है। ये ओल्ड फैशन भी हो चुका है, अब इसे ज्यादा यूज नहीं करते। इसी से ध्यान से देखना, एक वर्ड और देखेंगे बड़े ध्यान से, डेमोगॉग। डेमोगॉग, ये सारे वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। डेमोगॉग, डेमोगॉग का मतलब बता देता हूं। डेमोगोग एक ऐसे लीडर को कहा जाता है बेटा, एक ऐसे पॉलिटिशियन। ये ध्यान रखना, इस वर्ड का प्रयोग पॉलिटिशियन के लिए होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, मेरा फोकस केवल आपको पढ़ाने में, आप देखिए कितना मन से इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कितना प्यार आप इस सेशन को देते हैं। जैसे ही मेरा सेशन खत्म हो तो बेटा सारे के सारे बच्चे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, डेमोगोग शब्द का मतलब देखिए क्या होता है। डेमोगोग का मतलब होता है बच्चों, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों का, जितने भी मतलब जितने भी पब्लिक है, जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनका क्या करता बेटा, अननेसेसरी उनके इमोशंस का फायदा उठाता है। जानबूझ के ऐसी बातें क्रिएट करेगा, जानबूझ के ऐसे मुद्दे क्रिएट करेगा जिनका वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं है, बस उनकी फीलिंग्स को उकसाकर वो अपना काम निकालने का काम करता है। या तो जाति के आधार पर करता है, या धर्म के आधार पर करता है, या किसी और मुद्दे के आधार पर ऐसी चीजों को उठाता है जो जेन्युइन तरीके से मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती बेटा। बस क्या करने का उसका मोटिव है कि वो कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे इनको उकसाकर अपना वोट, मतलब इनसे ले लूं, और वोट लेने के बाद अपना तो काम निकल जाएगा, आप तो बन जाएंगे पॉलिटिशियन। ऐसा करने वाला व्यक्ति डेमोगोग होता है। तो देखिए आपने क्या पढ़ा सर, एक पढ़ा आपने पेडागोग, यहां पर एक पढ़ा आपने पेडागोग। पेडागोग ये टीचर को दिखाता है। एक आपने वर्ड पढ़ा सर पेडागोजी। पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब क्या है? एक ऐसा शास्त्र जिसमें बच्चों को एजुकेट करने का दिया जाए। तो यहां से देखिए बेटा क्या कहता है, ये देखिए वर्ड क्या रहा है इसका, पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा व्यक्ति। पेड किसको दिखा रहा है बेटा? बच्चों को दिखा रहा है। और एशियन का मतलब एक्सपर्ट होता है। तो बच्चों की बीमारी, जो बच्चे बेबी इल होते हैं बेटा, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके जो एक्सपर्ट होते हैं, बच्चों की बीमारी के इलाज करने के जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पेडिट्रिशियन कहते हैं बेटा। एवरीबडी ये सुनो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? दम लगाओ, शाबाश, बहुत मन से पढ़ाओ, जितना हो सके उतना दम लगा के पढ़ो बेटा, बेस्ट पढ़ना चाहिए आप लोगों को, आगे की तरफ आते हैं। अच्छा पता है क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि चीज़ों पर हम कहीं ना कहीं एक साथ कॉन्स्टेंट है ना, फोकस्ड नहीं रह पाते। और फोकस्ड ना रहने की वजह से क्या होता है कि हमें चीज़ों का उस लेवल पर पहुंचना नहीं मिल पाता बेटा, जिस लेवल पर हमें पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बेटा कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी मतलब प्रॉब्लम क्या है कि लगातार कंसिस्टेंसी नहीं है। हम 10 मिनट चीज़ों को पढ़ लेते हैं, 20 मिनट पढ़ लेते हैं, पर उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं। और यही सबसे बड़े रीजंस है बेटा कि हम बारीकी से चीजों को नहीं सीख पाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप दम लगाकर, ऐसे बढ़िया से दम लगाकर सीखना है। चलो बेटा अगले वर्ड की तरफ आ जाओ, यहां पर देखिए क्या कहता है बेटा। यहां पे कहता है स्किन क्लियर। इसका मतलब क्या बेटा? स्किन, मैं एक पहला वर्ड लेके आ रहा हूं सब लोगों के सामने बेटा, स्किन। स्किन जो शब्द होता है ना बेटा, आपकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप गौर से देखना बेटा, इंग्लिश में एक वर्ड होता है डर्मा। डर्मा, डर्मा जो वर्ड होता है ना बेटा, वो स्किन के लिए आता है। आपकी जो स्किन होती है उसको दिखाने का वर्ड होता है बेटा इंग्लिश में डर्मा। डर्मा का मतलब स्किन होता है बेटा। और ध्यान देना बेटा, एक और बात समझना, जरा गौर से देखना बेटा, ये जो लॉजी वर्ड होता है ना बेटा, या फिर आप इसे लोगस कहते हैं, जो ये जो वर्ड होता है ना बेटा, ये साइंस होती है किसी भी चीज की। ये जो वर्ड आपके सामने आ रहा है बेटा, ये कहीं ना कहीं साइंस को दिखाता है। मैं फिर से बोलता हूं, इसमें एक काम कर लेना बेटा, एस और लगाने बेटा, लोगस मैंने बोला है। लोगस क्या होता है? किसी भी चीज का साइंस होता है। और डर्मा जो शब्द होता है ना बेटा, वो स्किन को दिखाता है। और इस्ट मतलब क्या होता है? उसका करने वाला, उस पर विश्वास करने वाला, उन प्रिंसिपल सिद्धांतों को फॉलो करने वाला बेटा, वो इस्ट से दिखाया जाता है। अब गौर से देखिए बेटा, डर्मा स्किन के लिए बेटा, लोगस वो साइंस या स्टडी है। लोगस का मतलब होता है बेटा साइंस या फिर स्टडी होता है, किसी चीज का अध्ययन होता है। और इस्ट का मतलब उस साइंस को फॉलो करने वाला, उसमें विश्वास करने वाला, वो इस्ट से दिखा। तो ध्यान से देखिए, यहां से एक वर्ड निकल गया बेटा डर्मेटोलॉजिस्ट। यहां से एक वर्ड लिखा बेटा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है बेटा? एक ऐसा व्यक्ति, ध्यान से सुनना, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है बेटा? एक ऐसा व्यक्ति जो स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को देखता है,
स्किन से जुड़ी बीमारियों को देखता है, उसका इलाज करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में त्वचा विशेषज्ञ कहते हैं और इंग्लिश में डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये बात आप लोगों को बारीकी से सीखनी चाहिए। अब देखो बेटा, डर्मा जिस व्यक्ति ने सीखा तो यहां से एक वर्ड सीखना उसके लिए मुश्किल नहीं है बेटा। मैं इस वर्ड को ध्यान से देखिए, मैं यहां पे कहता हूं, इस वर्ड को ध्यान से देखना। एक वर्ड मैंने लिखा आपके सामने, टैक्सी। यहां पर देखना बेटा, वर्ड की प्रोनंसिएशन भी बड़े ध्यान से देखना, टैक्सी। और टैक्सी के बाद यहां पर हम देखेंगे तो डर्मा वर्ड आ रहा था, पर डर्मा नहीं, यहां पर डर्मिस्ट लिखना, टैक्सीडर्मिस्ट। एक वर्ड आता बेटा टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब बता देता हूं, टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जानवर होते ना, जानवर उनकी खालों में क्या करता है, घास फूस भरता है। सेशन जितना उसके क्विक होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए। मैं इस आधार पे, इसलिए मैं बीच में कोई फालतू की बात कर ही नहीं रहा आप लोगों से, तो मुझे ये भी इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप प्लीज बस लगातार पढ़िए, बीच में कोई बात करेंगे नहीं सर हम। ध्यान से देखो, टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब क्या होता बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो जानवर होते ना बेटा, जानवर उनकी खालों में क्या करता है, कुछ भरता है, खालों में भरता है। क्यों भरता है बेटा, कि उनको प्रदर्शनी में रखा जा सके। जैसे आपने देखा होगा गांव के अंदर पहले क्या होता था, पुरानी फिल्मों में ठाकुर की हवेली होती थी, तो ठाकुर की हवेली में कोई हिरण खड़ा है, अब हिरण की खाल के अंदर फूसा भर दिया बेटा। अब क्यों किया, या तो इसको स्टडी के लिए रखा जाता था बेटा, ऐसा इसको क्या बोलते बेटा, टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब तो फूसा भर दिया। अब वो क्यों किया जाता था बेटा, उसके पीछे एक रीजन था कि वो, या तो उसमें रीजन क्या था बेटा, कि उसको स्टडी के लिए रखा गया है, या फिर उसको शोकेश करने के लिए रखा है, प्रदर्शनी में रखा है। तो ऐसा होना बेटा टैक्सीडर्मिस्ट होता है, वो करने वाला व्यक्ति वो टैक्सीडर्मिस्ट है बेटा। तो यहां पर देखिए बेटा, डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब जो स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब बेटा जो स्किन के अंदर चीजों को क्या करता है, फिल करता है, उसको प्रदर्शनी के रूप में रखता है, ये इसका मतलब होता है। आगे की तरफ आ जाइए बेटा, नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे। तो यहां पर देखो कितना प्यारा वर्ड है बेटा, ये यहां पे देखिए, ये जो वर्ड आ रहा है आपके सामने, इसको बड़े ध्यान से देखो, ये वर्ड उतना है बेटा, ओ पी एच टी एच ए एल एम ओ एस, ऑफ्थोल्मस। ये ऑफ्थोल्मस जो वर्ड होता है ना बेटा, ये हमेशा आय को दिखाता है बेटा, आंखों को दिखाता है, आय के लिए वर्ड आता है ऑफ्थोल्मस। ऑफ्थोल्मस वर्ड का प्रयोग होता है आय, तो जहां भी आपको ऑफ्थो, ये ऑफ्थो वर्ड दिख जाए तो समझ जाना बेटा आय के बारे में बात है, आय के बारे में। अब दूसरी बात, आपने क्या पढ़ा था बेटा, लोगोस क्या होता है बेटा, साइंस या फिर उसकी स्टडी, और इस्ट क्या होता है बेटा, उस साइंस और स्टडी को फॉलो करने वाला व्यक्ति। तो कम से कम ये वर्ड तो आपके क्लियर हो जाने चाहिए ना बेटा। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, एक बार सारे बच्चे फॉलो करेंगे, ये ऑफ्थोल्मस जो होता है बेटा, ये आंखों को दिखाता है, आंखों के लिए इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात हमने क्या कहा सर, यहां पे लोगोस क्या होता है, साइंस एंड स्टडी होता है, इस्ट क्या होता है, साइंस और स्टडी को फॉलो करने वाला। जितनी बार आपके कानों में आवाज पड़ेगी ना बेटा, उतना ज्यादा बेहतर सीखेंगे, क्योंकि मैंने जीवन में एक बात सीखी बेटा, रिपीटेशन इज पावर। जितना ज्यादा आप रिपीट करते हैं ना चीजों को, उतना ज्यादा उसमें से सीखते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बड़े बड़े नाम सर किसी एक बार काम करके नहीं बने, उन्होंने चीजों के पीछे लगे रहे, कई बार गलतियां करी गलतियों से सीखा। मानते होंगे बेटा आप 100%, पर उन्होंने क्या करा, उसको करना नहीं छोड़ा, उसमें क्या आ गया बेटा, परफेक्शन आ गया। और परफेक्शन लाने के लिए इन चीजों को बार बार सुने। लोगोस का मतलब बेटा साइंस एंड स्टडी, फिर से वो देखे, लोगोस का मतलब क्या हो बेटा, साइंस एंड स्टडी आ गया बेटा। वहीं पर देखिए इस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, बोल के दिखाओ इस्ट का मतलब क्या हो गया। यस बिल्कुल ठीक है बेटा, उस प्रैक्टिस साइंस को फॉलो करने वाला बेटा, ऑफ्थोल्मस। ऑफ्थोल्मस का मतलब क्या हुआ बताओ बेटा, ऑफ्थोल्मस का क्या हुआ, बिल्कुल बेटा आय से जुड़ा। और यहां पर देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एक और वर्ड कह रहा हूं, बड़े ध्यान से देना, ऑक्यूलर। ऑक्यूलर, ऑक्यूलर जो वर्ड होता है बेटा, ये भी आय को दिखाता है। ऑक्यूलर जो वर्ड होता है बेटा, ये भी आय को दिखाता है। इसके जस्ट यहां पर मैं आपके सामने ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट जो वर्ड है बेटा, इसको बड़े ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, ऑक्यूलिस्ट। इस्ट वर्ड क्या हुआ बेटा, वो इंसान जो उसको फॉलो करता है। तो ध्यान से देखो, ऑफ्थोल्मोजिस्ट, फिर देखो ऑफ्थोल्मोजिस्ट, मोलोजिस्ट, ऑफ्थोल्मोजिस्ट और आपको ऑक्यूलिस्ट, ये दोनों के दोनों बंदे क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आंखों की बीमारी को ट्रीट करते हैं बेटा, इन दोनों को कहते हैं वही बंदा। अब देखो यहां पे ऑक्यूलर से निकला बड़ा है, ऑक्यूलर से लिखा है, तो ऑक्यूलर का मतलब भी किसके लिए आता है बेटा, आंखों के लिए आता है। यस नो, यही से देखो एक वर्ड और आपके सामने, बाय। आपको याद होगा बेटा बाय का मतलब क्या था, याद करो बेटा बाय का मतलब क्या था, बताओ बेटा मुझे जल्दी से, बाय का मतलब क्या था, टू। बाय किसको दिखाता है बेटा, टू को दिखाता है। और यहां पर देखिए बाय के बाद टू तो है, पर आगे देखिए क्या करेंगे, इसमें एक वर्ड देखें, बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें एस लगा के लिखते हैं बेटा, ये दूरबीन होती है जिससे हम
देखने का काम करते हैं, उसे बाइनेकुलर कहते हैं। बाइनेकुलर उस वर्ड को दिखाया जाता है। तो यहां से आपने देखिए क्या सीखा बेटा, आप गौर से देखिए, थोड़ा पेशेंस रख के सुनिए। ऑफ्थोल्मो का मतलब क्या होता है? ऑफ्थोल्मस आंखों से जुड़ा। ऑक्यूलर क्या होता है बेटा? आंखों से जुड़ा। तो आंखों का विशेषज्ञ क्या हो गया? ऑफ्थोल्मोलॉजिस्ट। और दूसरा वर्ड क्या हो गया बेटा? ऑक्यूलिस्ट। वहीं से देखिए, ऑक्यूलर का मतलब क्या होता है? आंखों से जुड़ा। तो बाइनेकुलर्स जो क्या करता बेटा, बाइनेकुलर्स क्या होता है? दूरबीन, जिससे हम दूर की चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं, वो बाइनेकुलर से आता है। एवरीबॉडी यस एंड नो? बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? समझ में आ रही नहीं आ रही है? वेरी गुड, शाबाश। आगे की तरफ आइए बेटा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखेंगे। तो अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है बेटा? यहां पर देखिए बेटा क्या कहता है, ऑफ्थो ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट बेटा यहां पे देखो, ऑर्थो जो होता है ना बेटा, ऑर्थो ये चीजों को स्ट्रेट करने के लिए भी आता बेटा, इसे ऑर्थोस भी कहते थे बेटा। ऑर्थो वर्ड इतना ही बता रहा हूं क्योंकि इस वर्ड से सीख लो बेटा। अब सुनिए बड़े ध्यान से, ऑर्थो शब्द का मतलब देखिए क्या कहता है। ऑर्थो का मतलब होता है बेटा हड्डियों से जुड़ा, बोन्स से जुड़ा। बोन्स में क्या जुड़ा बेटा? उसको स्ट्रेट करने का काम, जो हमारा स्केल्टन होता है ना, स्केल्टन, उसको जब हम सीधा करते हैं तो वो ऑर्थो के अंदर काउंट होता है। हड्डियों की प्रॉब्लम है बेटा। हड्डियों में क्या होता है कि जब हड्डियां टूट जाती हैं या फिर वो टेढ़ी हो जाती हैं, तो उसको सीधा करने का जो काम करते हैं वो ऑर्थो, ऑर्थो से निकला बेटा। ऑर्थो का मतलब होता है चीजों को स्ट्रेट करना, सीधा करना, हड्डियों को सीधा करना। तो जब हड्डियां टूट जाएंगी तो उसको सीधा तो करना पड़ेगा ना, और करने वाला व्यक्ति क्या होगा? ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब क्या होता है? जो हड्डियां जो होती हैं, जो इधर उधर खिसक गई हैं, टूट गई हैं, उनको सीधा करने का काम करेगा, ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं, उसे ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। तो याद करेगा, ऑर्थो का मतलब स्टेट है। अगर यहां पर देखिए ऑर्थो का मतलब स्टेट आपने पढ़ लिया, तो आपको एक वर्ड तैयार हो जाएगा बेटा, ऑर्थो। ये ऑर्थो का मतलब क्या था सब बताओ? सीधा करना। ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट इस्ट किसको दिखाता है? इस्ट किसको दिखाता बेटा? इस्ट उस व्यक्ति को दिखाता है जो किसी चीज को फॉलो करता है, उसमें बिलीव करता है। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो दांतों को सीधा करने का काम करता है, क्योंकि डोंटो जो वर्ड है ना बेटा, डॉन, ये जेन्युइन तरीके से दांतों को दिखाता है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो दांतों को सीधा करने का काम करता है, उसे ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। और ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है? जो हड्डियों को सीधा करने का काम करता है, हड्डियां टूट गई उसको जोड़ता है, उसका इलाज करता है, उसे ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। तो ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ये दोनों वर्ड याद रखना बेटा। डोंट का मतलब, डॉन का मतलब क्या? दांतों से बेटा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एवरीबॉडी यस एंड नो? ये चीज आपको सीखनी है, उस तरीके से आपको सीखना है। आओ बेटा जी, एक छोटा सा काम करते हैं, अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अब यहां पे देखिए बेटा, कार्डियोलॉजिस्ट। अब कार्डियोलॉजिस्ट जो आप देख रहे हैं, वो कितना खास वर्ड है बेटा, ये कहां से निकला बेटा? अब ध्यान से देखो, ये किससे निकला? कार्डिया से निकला है। अब ये कार्डिया मैंने बोला क्या मतलब है? कार्डिया का मतलब होता है बेटा हार्ट, दिल। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट या दिल। कार्डिया का मतलब हार्ट और दिल होता है। तो यहीं से निकलने वाला वर्ड हो गया बेटा, वो क्या वर्ड है? कार्डियोलॉजिस्ट होता है। ये इस्ट तो दिमाग में डाल दो, ये लोगोस भी डाल दो बेटा। लोगोस जो वर्ड होता है साइंस या उसका स्टडी, और जो कार्डियक वर्ड होता है ना कार्डिया, ये कार्डिया वर्ड किसको दिखाता है बेटा? हर्ट को। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या हो गया बेटा? कार्डियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो हर्ट से जुड़ी, जो दिल से जुड़ी, जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्ट से जुड़ी बीमारियां हैं, उनका इलाज करने का काम करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, हर्ट से जुड़ी जो प्रॉब्लम है। ये लिखा है बेटा पीटर पैटर, ये एक वर्ड होता है बेटा पीटर पैटर, थपथपाना होता है, थपथपाना, धड़कती है जब ऐसे धड़ 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 ऐसे धड़कती है चीजें, थपथपाती है, उसको पीटर पैटर बोलते हैं। तो जो दिल में ना ऐसे घबराहट होती है, दिल में प्रॉब्लम होती है, बीमारियां आ जाती है, हर्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसका इलाज करने वाला व्यक्ति कार्डियोलॉजिस्ट है। कहां से निकला बेटा? कार्डिया से निकला। कार्डिया का मतलब क्या होता है? हर्ट होता है बेटा। लोगस का मतलब बेटा स्टडी होता है, उसको फॉलो करने वाला व्यक्ति बेटा इस्ट होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब बेटा जो हर्ट की प्रॉब्लम्स को देखता है, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। वर्ड याद होना चाहिए था बेटा। आगे की तरफ आइए बेटा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखेंगे। तो अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है? ये न्यूरो वर्ड आ रहा है बेटा, न्यूरो। इस बात को समझिए बेटा, ये न्यूरो वर्ड आ रहा है। अब देखो यहां पर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रेन
ये जो हमारी नर्व्स होती है ना बेटा, नर्व्स, ये जो दिमाग की नर्व्स होती है, उसको न्यूरो से लिया गया बेटा, उसके लिए न्यूरो का प्रयोग किया गया है। इसका जो साइंस है वो लोगस, यानी कि लॉजी, वो स्टडी लॉजी हो गया बेटा। आपको देखा होगा बेटा, लोगस में कह रहा हूं, लोगस से वर्ड क्या निकला बेटा, लॉजी। लॉजी होता है किसी का स्टडी बेटा। ध्यान से पढ़िए और देखिए, मैंने कहा था ना आप लोगों को, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए बेटा। क्लास के खत्म होते मुझे बताना, गुरुजी ये कमी है। हम ठीक है, मैं ये कहता हूं कि चीजों को हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, ऐसा बनाना है कि आप लोगों के काम तक आए। अब वो चीजें आपके काम कब आएगी, जब आप जेन्युइन तरीके से हमें बताएंगे सर ये सारी चीजें इसमें ऐड कर दो, आपको और पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, बताइए बेटा, जितना पढ़ना उतना देंगे इसमें। पर किताबों को फॉलो करिए, कुछ बेसिक किताबें हैं जो आपको बहुत बारीकी से आनी है, और ये लगातार अगर आपने मेहनत जारी रखी तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि क्लास में बेटा एक एक बच्चा जो आप मुझे देख रहा है वो बेहतर नॉलेज ले जाएगा। पर चीजें मजे में तैयार नहीं होंगी, सीख कर तैयार होंगी। वो दौर चला गया बेटा जब रटने की बात थी, अब महसूस करने की बात आ गई है। न्यूरो शब्द का मतलब नर्व से होता है, लॉजी का मतलब उसका अध्ययन होता है, और लॉजिस्ट का मतलब उस अध्ययन को फॉलो करने वाला, उसका उसको अनुसरण करने वाला, प्रिंसिपल को अपनाने वाला। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो माइंड से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम करता है, उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। दिमाग से, ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला वर्ड इससे भी अच्छा वर्ड है बेटा, ध्यान से देखना। ये तो न्यूरोलॉजिस्ट हो गया बच्चों, अगर हम यहां की तरफ चले तो देखिए क्या कहता है, साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट वर्ड में जो साइकी शब्द है ये इमोशंस के लिए आता है बेटा। साइकी जो शब्द है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है न्यूरोलॉजिस्ट होता है, नहीं, इसमें फर्क है बेटा। वो तो माइंड की प्रॉब्लम देखता है, ये इमोशंस, डिप्रेशन, इमोशंस में जब दिक्कत आ जाती है, इमोशनली जब व्यक्ति टूट जाता है, इमोशनली व्यक्ति को प्रॉब्लम आ जाती है, उसके इमोशंस में गड़बड़ आ जाती है, जब चीजों को सोच ढंग से नहीं पाता। कुछ लोग होते हैं बेटा असफलता को बहुत भारी ले लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि असफलता को भारी ले लेते हैं अपने ऊपर, पर मैं ये मानता हूं बच्चों कि असफलता कभी भारी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि असफलता वो चीज है जो आपको सिखाने का काम करती है। अगर जो व्यक्ति अपनी असफलता से सीखता है उसकी कामयाबी हमेशा बहुत बड़ी होती है। कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। कंपैरिजन करना चाहिए बेटा, पर पॉजिटिव कंपैरिजन करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि इस व्यक्ति से हमें क्या सीखना है, इसे पॉजिटिव कंपैरिजन कहते हैं। ये तो मेरे से बहुत आगे है, ये कर जाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, कि नेगेटिव कंपैरिजन है। आपके बगल वाले दोस्त की वोकैबुलरी अच्छी है तो उससे आपको कंपैरिजन करके ये घबराना नहीं है, यार इसके तो वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मेरा क्या होगा, बल्कि उससे सीखना चाहिए कि उसने अपनी वोकैबुलरी पे काम कैसे किया है। और आप उसी ढंग को आप अपना लो तो एक समय के बाद आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होगी। ये सुनो, तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप सीखने आए हैं तो अपना बेस्ट लगा के सीखिए, नहीं आए तो बार बार पूछिए। पूछने से हमेशा व्यक्ति सीखता है, चुप रहने से आदमी भूल जाता है बेटा, क्योंकि शेयरिंग स्केयरिंग, जितना ज्यादा आप बताओगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। ये वर्ड सीख लिए, ज्यादा से ज्यादा बताओ, ये वर्ड वो होता है, वो वर्ड वो होता है, इस वर्ड का प्रयोग यहाँ होता है, इस वर्ड का प्रयोग यहाँ होता है, तुझे पता है इसमें ये रूट वर्ड है, ये तुझे पता है ये ईस्ट लगने से क्या होता है, ईशियन लगने से क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे बात कीजिए। हर क्लास से 10-20 बातें ऐसे निकाल लो और फिर उसको अपनाते रहो, लगे रहो, एक मोमेंट ऐसी आएगी कि आप सच में पक जाओगे। और मैंने कहा ना सर, जब फल पकता है तो उसके अंदर एक जो मिठास आती है, जो उसके अंदर एक रंगत आती है, वो सबको दिखाई देती है। जिस दिन तैयार हो जाओगे तो आसपास के लोग अपने आप कहेंगे भाई साहब इस बार तो तुम लगोगे। 6 से 7 बच्चे इस बार आपके सीजीएल के लगे, इस अकेडमी के, वो कैसे लग पाए, शायद वो लगे रहे बेटा, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत काफी समय से अपने ऊपर काम कर रहे थे, तो वो लेवल आपका भी बनेगा बेटा। बस एक बात ध्यान रखो मन में कि मेरा भी दौर आएगा, मेरा भी दौर आएगा। बस लिख लो, लाइक को मार कर लो, कुछ पल की खामोशी है, खामोशी का मतलब कुछ पल का ये दुख है बेटा, असफलता खामोशी लेके आती है, मन में दुख होता है, पर इससे सीखिए बेटा, इससे सीखिए। इसमें ये देखिए कि कहाँ कमी रह गई अगली बार, क्योंकि मैंने सुखा है, मैंने अपनी लाइफ में एक बार बोली है सर कि असफलता आदमी को मात्र एक चीज बताती है कि मेहनत ढंग से नहीं हुई। असफलता आदमी को मात्र एक चीज सिखाती है कि मेहनत ढंग से नहीं हुई। अगर मेहनत ढंग से रही होती तो फिर असफलता हाथ ना लगती साहब।
और असफलता हाथ लग गई है तो अपने आप को प्रिपेयर कर दो और कहो कि बस मैंने कुछ गलतियां करी थी, इस बार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी और इस बार सीखना है। कुछ पल की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आपका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। कुछ बातें हमेशा अपने ऊपर काम करते रहे। यहां पर देखिए मैंने क्या कहा आपके सामने, साइकाइट्रिस्ट कह दिया मैंने बेटा। साइकाइट्रिस्ट क्या होता है? जो आपके डिप्रेशन इमोशनल प्रॉब्लम आ जाती है, इमोशंस में जो गड़बड़ होती है, उथल पथल हो जाती है, उसका इलाज करता है बेटा साइकाइट्रिस्ट होता है। इसलिए जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलते हैं, और जिनको माइंड की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो किससे मिलते हैं बेटा? न्यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं। माइंड की प्रॉब्लम वाला किससे मिलता है? न्यूरोलॉजिस्ट से मिलता है। और ये किससे मिलता है? ये इससे मिलता है। आगे की तरफ देखिए, अब आपके पास एक शीट आ गई बेटा, ये प्रैक्टिस कर दो। अब सारे बच्चे काम कर दो जल्दी से, सारे बच्चे काम कर दो जल्दी से, मुझे इनके आंसर्स देना शुरू कर दो। आपके सामने ये है, लाइक एंड शेयर नहीं करते हो क्योंकि आपका लाइक एंड शेयर बड़ा मायने रखता है हमारे लिए। अगली बार और ऊर्जा से मेहनत करने का मन करता है बेटा। आइए प्रैक्टिस कर लो। पहला वर्ड आ जाओ बेटा, क्या कह रहा बेटा? अ स्पेशलिस्ट इन फीमेल एलमेंट्स बेटा। ये जो एलमेंट होती है ना बेटा, ये जो एल होता है ना, एल ये बीमारी को दिखाता है बेटा। तो एल का मतलब बीमार करना होता है बेटा, एलमेंट का मतलब बीमारी होती है। फिर से सुनो बेटा, एल जो वर्ड होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है मेक समबड़ी इल, मेक समबड़ी इल, मेक समबड़ी इल, किसी को बीमार करना होता है बेटा एल। और बीमारी जो होती है बेटा वो एलिमेंट होती है, और किसकी बीमारी बेटा? फीमेल की एलिमेंट। अब देखो बेटा यहां पे सीधा सीधा वर्ड देखो, यहां पर देखो, अब यहां पे देखो ऑब्स्ट्री, ये ऑब्स्ट्रिशियन, मुझे बताओ ये ऑब्स्ट्रिशियन, ये ऑब्स्ट्री किसको आता है? ये ऑब्स्ट्रिक्स वर्ड से आया था ना बेटा, आप अगर भूले नहीं है तो ये वर्ड हमने पढ़ा था, ऑब्स्ट्रिक्स वर्ड से आता है। और ऑब्स्ट्रिक्स वर्ड किसके लिए आता है? फिर से बोल रहा हूं बेटा, फिर से बता दो जरा, ऑब्स्ट्रिक्स वर्ड किसके लिए आता है बेटा? बताओ, शाबाश, ऑब्स्ट्रिक्स वर्ड किसके लिए आता है बेटा? वो आपकी कौन सी होती है? दाइमा होती है बेटा, उसके लिए आता है। तो यहां पे तो दाइमा मतलब ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को जन्म दिलवाने के लिए, एक ऐसी फीमेल जो बच्चों को क्या करती है बेटा, जन्म दिलवाने में क्या करती है? मदद करती है, उसका एक्सपर्ट होती है, उसे ऑब्स्ट्रिशियन कहते हैं बेटा। गायनी जो वर्ड होता है ना बेटा, गायनी, ये फीमेल को दिखाता है, और फीमेल की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बेटा, उसका स्पेशलिस्ट होता है वो गायनोकोलॉजिस्ट होता है बेटा। याद है ना, डर्मा, डर्मा शब्द किसके लिए आता है बेटा? स्किन के लिए आता है। तो यहां पर क्वेश्चन स्किन को लेके नहीं था, तो इसलिए इसका ना तो सी बना बेटा, ना इसका ए बना। लाइक एंड शेयर नहीं करते हो, लाइक एंड शेयर नहीं करते हो। चलो आगे आओ, अगले वाले पे आओ। चलो शाबाश, यहां पे देखिए क्या कहता है बेटा, स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रंस डिजीज, एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों की बीमारी में स्पेशलिस्ट है, एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों की बीमारी में क्या है? स्पेशलिस्ट है। मुझे जवाब जो दे रहे हैं वो प्रियांशी दे रही है, साहिल जी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। थोड़ा सा वीडियो बीच में शायद रुक गया है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। आइए बेटा, क्या कह रहा है? स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रंस डिजीज, बच्चों का बेटा। अब ध्यान से देखो, पैड शब्द किसको दिखाता है बेटा? बच्चों को दिखाता है। पैड शब्द किसको दिखाता है? बच्चों को दिखाता है बेटा। इंटर्न जो वर्ड होता है बेटा, इनसाइड को दिखाता है। ऑर्थो जो होता है बेटा, वो हड्डियों के सीधा करने के लिए आता है। तो ध्यान से देखो बेटा, चिल्ड्रन जब बेसिक तैयार हो जाएगा तो उसके बेटा, सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, सेशन के खत्म होते ही अपने कमेंट्स देना मुझे, और कमेंट्स में बताना कि आपको आज कैसा फील हुआ है। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर जो आपके पास वर्ड आ रहा है बेटा, ये पेडिस्ट्रियन, ये एक्चुअल में क्या है कि बच्चों की बीमारियों को सॉल्व करने वाला है। अगर यहां पे होता बेटा इनसाइड की प्रॉब्लम्स के लिए तो इंटरनिस्ट आता है, और हड्डियों के लिए आता तो बेटा ऑर्थोपेडिस्ट आता है। आगे की तरफ आइए बेटा, अगला वर्ड देखिए क्या कहते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने थर्ड का आंसर दिया मुझे। थर्ड का आंसर मुझे सी मिला है, थर्ड का आंसर मुझे सी मिला है, थर्ड का आंसर मुझे सी मिला है। जल्दी जल्दी कर दो बेटा। बेटा जी ये मुझे 45 बच्चे देख रहे हैं, 47 बच्चे देख रहे हो, जो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे बच्चे मुझे, इतने तो कमेंट्स दिखने चाहिए, ये सारे बच्चों का मुझे फीडबैक आज की वीडियो में मिलना ही चाहिए। जो भी बच्चे मुझे बात तक देखेंगे, सेशन तक आएंगे, वो जरूर मुझे इस पे कमेंट करके देंगे कि आज उन्होंने कैसे कितना सीखा बेटा। आई डिजीज है बेटा, आई के लिए कौन सा वर्ड आता है? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट सर, ऑक्यूलर
ऑक्यूलर वर्ड भी आंख को दिखाता है, ऑफ्थोल्मस भी किसको दिखाता है, आंख को दिखाता है। तो ये वर्ड आ गया बेटा। ये जो ऑप्टिशियन होते हैं ना बेटा, ये चश्मे के लिए होता है। ऑप्टिशियन क्या करता है बेटा, जो चश्मे को ग्राइंड करने का काम करता है, जो लेंस को ग्राइंड करके चश्मा बनाता है बेटा, वो ऑप्टिशियन होता है। तो हमने कहा कि आंखों की डिजीज को जो करता है बेटा, उसे या तो ये कहते हैं या फिर ऑक्यूलिस्ट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्यूलिस्ट। ये ऑक्यूलिस्ट भी वही वर्ड होता है। ये जो वर्ड आता है बेटा आपको कार्डियो, ये कार्डियोलॉजिस्ट तो बेटा हर्ट के लिए आता है। चलो शाबाश, इस एक्सरसाइज को कर लो, बहुत कुछ सीख जाओगे। चलो शाबाश, फोर्थ पे आ जाओ। क्या कह रहा है बेटा? इमोशनल डिसऑर्डर, जो बेटा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करते हैं? चलो शाबाश, इमोशनल डिसऑर्डर। इमोशनल के लिए देखो, न्यूरो किसके लिए आता है बेटा? माइंड के लिए। और साइकिस किसके लिए आया? इमोशंस के लिए बेटा। तो साइकाइट्रिस्ट उसको बोलते हैं। डेमागोग, याद करके बताओ मुझे डेमागोग क्या होता है। बताओ बेटा डेमागोग क्या होता है? डेमागोग और पेडागोग, दो वर्ड पढ़े थे हमने सर, डेमागोग और पेडागोग। पेड अ गोग, पेडागोग पढ़ाता और डेमागोग पढ़ाता बेटा, दो वर्ड आपने और मैंने पढ़े थे, इसको ध्यान रखना बेटा। सब बच्चों का फीडबैक चाहिए मुझे क्लास के बाद। डेमागोग का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है अपना पर्सनली, आमतौर पर पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन के लिए आता बेटा। उनका क्या करता है? इमोशनली उनके साथ खेलता बेटा, पॉलिटिक्स के अंदर यूज करते हैं बेटा। बिल्कुल ठीक कह रहे पवन। आगे देखिए बेटा क्या कहते हैं। पर्टेनिंग टू, पर्टेन के साथ प्रेपोजिशन टू आती है बेटा। पर्टेन का मतलब से संबंधित बेटा। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एल्डरली, जो एल्डरली जो लोग होते हैं बेटा, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो वर्ड आता है उसको क्या कहते हैं बेटा? बताओ सारे के सारे बेटा। मेडिकल जो जो ये आपके सामने वर्ड आ रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा? शाबाश शाबाश शाबाश, लीडर के लिए यूज करते हैं बेटा। फिफ्थ का बता दो बेटा। न्यूरो का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूरो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड की नर्व से जुड़ा होता है। ये तो आपका वही है बेटा, फीमेल दाइमा वाला। और ये जो होता है ना, ये जो वर्ड होता है, ये कहीं ना कहीं गैरी जो शब्द होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं किसको दिखाता है? आपके एल्डर्स को दिखाता है। बिल्कुल सब बच्चे जवाब दे रहे हैं फिफ्थ का। फिफ्थ का सी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो एल्डर्स के लिए आ जाओ बेटा। टीथ, सब मुझे बताइए, मैंने टीथ के लिए दो एक वर्ड बताया था सर, है ना? डॉन, ये वर्ड बताया था मैंने। और ऑर्थो का मतलब सीधा करना, तो दांतों को स्ट्रेट करने का काम करता है। तो दांतों को स्ट्रेट करने का मतलब ऑर्थोडोंटिया। ऑर्थोडोंटिया का मतलब होता है बेटा दांतों को सीधा करने वाला, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, उसका सीधा होना, ऑर्थोडोंटिया मतलब बोलते हैं उसको बेटा। ऑर्थोपेडिया क्या होता है बेटा? हड्डियों से जुड़ा है। और ये तो ऑप्टोमेट्री पता है बेटा? ऑप्टोमेट्री क्या होता है कोई बच्चा बता सकता है बेटा? जो विजन को नापता है बेटा। ऑप्टो जो आता है बेटा वो आंखों के लिए आता है बेटा, और मेट्री जो वर्ड आता है बेटा वो आंखों के विजन को नापने के लिए आता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता कि आंखों का विजन, जैसे ना वो मांगता है कि इसको दूरदृष्टि रोग है, इसको निकट दृष्टि रोग है, तो वो कौन करता बेटा? ऑप्टोमेट्रिया कहते हैं। आज तो लाइक एंड शेयर में बहुत कमी कर दी तुम लोगों ने। चलो कोई नहीं भाई, तुम्हारी इच्छा है, गुरुजी तो काम करेंगे अपना वाला, तुम नहीं करे बढ़िया वाला। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बेटा, किसी को अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाए ये बताना पड़ेगा बेटा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। नहीं बेटा, जो इसका ए बता रहे सेवंथ का, ठीक नहीं बता रहे बेटा। ये कह रहे डिसऑर्डर हो जाए, तो डिसऑर्डर में बेटा ये तो नहीं आएगा, डिसऑर्डर में आएगा बेटा ये न्यूरोसिस। न्यूरोसिस क्या होता है बेटा? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं न्यूरोसिस को बेटा। नीचे की तरफ आ जाइए बेटा। मेंटली अनबैलेंस्ड हो जाता है। मेंटली अनबैलेंस के लिए बताओ क्या होता है? एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए बेटा मेंटली अनबैलेंस के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, साइकोटिक कहते हैं बेटा। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बताइए किसमें होता है? पढ़ाने के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के सिद्धांत। पढ़ाने के सिद्धांत किसमें होते हैं? पेडागोजी में होते हैं बेटा। शाबाश, पेडागोजी बिल्कुल ठीक है। और पढ़ाने वाला क्या होता है बेटा? पेडागोग होता है। तो आज बस मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों के लिए। लास्ट में एक छोटा सा वो है, आपको लास्ट में एक छोटा सा मैं आपके सामने प्ले करके जाऊंगा, आप इसमें देखना। वैसे तो ये हमारे दो छोटे छोटे से आपके सामने पोस्टर हैं। तो ये पोस्टर में क्या है हमारा, एक तरफ इंग्लिश का बैच है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है 3:30 से 5, और इस तरफ क्या है आपका स्पोकन बैच है बेटा। स्पोकन बैच भी बहुत बढ़िया चल रहा है, लाजवाब है। बहुत सारे बच्चों का मेरे सामने बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है स्पोकन बैच का, अधिकतर क्या सभी बच्चों का है, बहुत मेहनत करके सीख रहे हैं।